गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों अभी हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बच्चों आज का वीडियो देखने के पहले, आज का लेक्चर देखने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला क्लास जरूर देख लें, नहीं तो आज का क्लास समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसके पहले वाला लेक्चर देख लें, तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। सपोज कीजिए, हालांकि ये जो टॉपिक है ये बोर्ड लेवल के अनुसार से काफी वैल्यूएबल है, लेकिन कंपटीशन के अनुसार से, कंपटीशन लेवल में, यानी कि कंपटीशन में इसका वैल्यू थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, सपोज कीजिए एक हमारे पास रिंग है, एक हमारे पास रिंग शेप का कोई चीज है जिस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मान के इस पर सब जगह पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना बच्चों। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है चारों तरफ से इसके, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए यहां से हमने एक एरिया को कट कर लिया, हमने यहां से एक एरिया को कट किया, एक हमने एक यहां से एरिया को कट किया, ठीक है। उसके पहले सपोज कीजिए कि एक चार्ज रिंग है, इसका सेंटर समथिंग होगा, सेंटर का कुछ नाम होगा। पूछे कि सेंटर से इस दूरी पर पॉइंट पी है, पी पर इस सेंटर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज कीजिए कि इसका रेडियस, रेडियस को हम ए मान लेते हैं, रेडियस को ए मान लिए, ये जो डिस्टेंस है इसको हम एक्स मान लिए, रिंग से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है ये, ठीक है ना। और यहां पर एक एरिया हमने कट किया, एक यहां पे छोटा सा एरिया कट किया, इस छोटे से एलिमेंट जो हमने कट किया इसका लेंथ डी एल मान लीजिए और चार्ज डी क्यू मान लीजिए, इसका भी लेंथ डी एल और चार्ज डी क्यू। इसके पहले वाला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो उसे पता होगा कि डी एल क्या है और डी क्यू क्या है। डी एल स्मॉल एरिया का लेंथ है जिसको हमने काटा है, डी क्यू उस स्मॉल लेंथ वाले एलिमेंट का चार्ज है, काफी छोटा चार्ज, इसलिए हमने इसे डी क्यू से डिनोट किया। अब यहां डी क्यू है, यहां पर पॉइंट पी है, इसको पॉइंट पी नाम दिया गया। अब पूछे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। अब मान गए इस डी क्यू के द्वारा, यहां से हमने एक लाइन को मिला दिया, यहां से डी क्यू के द्वारा इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, काफी छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसलिए इसको हमने डीई मान लिया, डीई मान लिया हमने। अब इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ऐसे कर दें हम, ये DE हो गया, तो इस DE के दो कंपोनेंट हो गए। तो कंपोनेंट के पहले एक चीज देखिए, इसको हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, इसको थीटा मान लिया गया, ये भी थीटा हो गया। तो अब इस DE के, इस पॉइंट के लिए दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा और एक इस तरह से नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। इस कंपोनेंट को हम कहेंगे DE cos थीटा और इस कंपोनेंट को बोलेंगे हम DE sin थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से हमने फिर क्या किया, इससे भी एक लाइन हमने यहां पर मिला दिया, सॉरी यहां से हमने यहां पर एक लाइन मिला दिया यहां पर। अब इसके द्वारा इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये भी DE हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये होगा और एक इसका कंपोनेंट ये होगा। तो ये कंपोनेंट कितना है, DE cos थीटा है, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, DE sin थीटा हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट कितना है, DE cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट DE sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट DE sin थीटा, ठीक है ना। इसको हमने DE मान लिया, ये DE था,
ये भी कितना है dE है, काफी छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि छोटा चार्ज है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो काफी मिनिमम होगा, काफी छोटा होगा। इसको थीटा हमने मान लिया, इसको भी हमने थीटा मान लिया। अब देखिए, अब यहां पर एक dE sin थीटा और एक यहां पर dE sin थीटा, तो dE sin थीटा और dE sin थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, ये दोनों क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो मेनली हमको निकालना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में अगर dE cos थीटा को इंटीग्रेट कर दें हम, अगर dE cos थीटा को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, dE cos थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। तो सिंपली हम जानते हैं कूलम्स लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो कूलम्स लॉ के थ्रू फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको आप आर मान लीजिए, एक चार्ज ये है, एक चार्ज यहां पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, एक का चार्ज डी क्यू है, दूसरे का चार्ज इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट के चार्ज को हम नहीं लेंगे, डी क्यू को लेकर चलेंगे। तो अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाए, इसके द्वारा तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पॉइंट पी पर, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट किया जाए तो के डी क्यू बाई कितना लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया। इसको भी आप क्या कीजिए, ए मान लीजिए, यानी कि रेडियस क्या है, ए है। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट होगा, इसमें रेडियस कॉन्स्टेंट है, इस सर्कुलर रिंग के लिए रेडियस क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। यहां पर मान लीजिए कि ये सर्कुलर रिंग पर यहां से यहां तक का रेडियस और यहां से यहां तक का रेडियस जो होगा एक ही सर्कल का पार्ट है, तो रेडियस सेम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए बाबू, अब हमको किस चीज को इंटीग्रेट करना है, अगर dE cos थीटा को इंटीग्रेट कर दें हम, यहां पर कितना है dE cos थीटा है ना, यहां पर ये पॉइंट जो है वो dE cos थीटा है, तो dE cos थीटा को इंटीग्रेट अगर कर दें तो E नेट निकल जाएगा, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं हम E नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा, इंटीग्रेट हमने कर दिया। अब वैल्यू पुट कीजिए, dE का वैल्यू पुट कीजिए, dE का वैल्यू कितना आया है, k dq और बाई r स्क्वायर cos थीटा। अब k चूंकि कांस्टेंट है तो k को बाहर निकाल दीजिए, r कांस्टेंट है तो r को भी बाहर निकाल दीजिए, cos थीटा कांस्टेंट है चूंकि यहां पर थीटा जो है ये वाला ये कांस्टेंट होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का निकाला जा रहा है तो थीटा तो सेम ही होगा ना, तो वहां पर थीटा कांस्टेंट है तो cos थीटा को भी बाहर निकाल दीजिए, तो k बाई r स्क्वायर कितना हो गया, cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया, dq बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ dq बच गया। अब बहुत सारे dq को इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, बहुत सारे dq को जैसे इस एरिया को काटा गया, यहां पर dq, यहां पर dq, फिर यहां पर dq, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जितने पॉइंट हैं सबका dq अगर जोड़ दें तो पूरा रिंग का चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। यहां पर छोटे एरिया का, छोटे लेंथ का छोटा चार्ज था, काफी मिनिमम चार्ज था, अगर इस मिनिमम चार्ज को हर एक पॉइंट का मिनिमम चार्ज होगा, तो हर एक पॉइंट के मिनिमम चार्ज को अगर हम जोड़ते चले जाएं तो पूरे रिंग का चार्ज मिल जाएगा, यानी कि k बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, और डी क्यू को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू आ जाएगा, पूरे रिंग का क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो k बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा क्यू आ गया। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, k बाई आर स्क्वायर क्यू कॉस थीटा। अब यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू कहां से लाए, अब देखिए इस फिगर में यहां पर ये हाइपोटेनस है, इसको हाइपोटेनस मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, बेस मान लीजिए, ये बेस हो गया, ये x जो डिस्टेंस था टोटल डिस्टेंस x था, जो टोटल डिस्टेंस x था ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो अगर cos थीटा निकालें तो देखिए यहां पर देखिए cos थीटा इज इक्वल टू होता है b by h, बेस by हाइपोटेनस, तो बेस कितना है x है और हाइपोटेनस कितना है r है, x by r, तो यहां से अगर r निकालते हैं हम तो लिख सकते हैं x by cos थीटा। अगर यहां से हम r कैलकुलेट करें इस पॉइंट से, cos थीटा इज इक्वल टू x by r हो गया,
तो यहां से अगर हम r कैलकुलेट करें तो cos थीटा नीचे चला जाएगा, x by cos थीटा, हम cos थीटा का वैल्यू पुट करते हैं तो k by r square q into cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू x by r, तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं x by r, और टोटल नीचे कितना है r square, तो r into r कितना हो गया r cube हो गया, यानी कि k cube यहां पर r cube बटा दीजिए, यहां तो ऑलरेडी है ही, यहां पर है तो r और r कितना हो गया r cube हो गया, k cube x अब y कितना हो गया r cube हो गया। अब यहां पर r square is equal to यहां hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square होता है, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं हम इस पॉइंट पर, बच्चों इस पॉइंट पर हम लिख सकते हैं, यहां पर देखिएगा r square is equal to r square is equal to मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर, जब यहां से स्क्वायर हटेगा इधर रूट होगा तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1 बाई 2। अब इस वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं तो के क्यू एक्स बाई आर क्यू, या आर का वैल्यू कितना है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3 है, और यहां पर ये पावर 3 हो गया, अब पहले से कितना है 1 बाई 2 हो गया, तो 3 इंटू कितना हो गया 1 बाई 2 हो गया, इसको मिटा बच्चों, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें अब वैल्यू सॉल्व करते हैं इसको, k क्यू एक्स बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3 बाई 2 हो गया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3 बाई 2 हो गया, यानी कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वैल्यू हो गया k क्यू एक्स बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3 बाई 2। अब देखिए अगर चूंकि x का डिस्टेंस a के कंपेयर में ज्यादा है, x जो है वो a के कंपेयर में ज्यादा है, तो अगर x का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए a से, बहुत ज्यादा हो जाए a से, तो a के वैल्यू को क्या किया जाएगा, a के वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो e net is equal to आ जाएगा हमारे पास k q x by a, तो खत्म हो गया, बच गया x स्क्वायर का पावर कितना 3 बाई 2, तो एक 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बच गया x का पावर क्यों बच गया, यानी कि k q x by कितना x का पावर 3, अब एक x से एक x कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया k q x, x तो खत्म हो गया, k q अब by कितना x स्क्वायर, यही ओरिजिनल जो e नेट निकला यही फॉर्मूला डिराइव हुआ, ये फॉर्मूला मिला k क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो k क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगा, x क्या होगा सेंटर से, रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस होगा, k का वैल्यू आपको पता होगा, k का वैल्यू पता हो गया, q इस पूरे रिंग का चार्ज होगा, q जो होगा इस पूरे रिंग का चार्ज होगा, और जब ये तीनों दिया हुआ रहे तो आप ई नेट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां से कैलकुलेशन हमको मिला, क्या वैल्यू मिला हमको कि ई नेट इज इक्वल टू, बेटा बच्चों इसको देखिए यहां पर मिला हमको वैल्यू, क्या मिला हमको ई नेट कितना आया, ई नेट कितना आया है ओरिजिनल तो ये है ना, ठीक है, ये कब आया है जब x का वैल्यू a से बहुत ज्यादा हो जाए तब ये वैल्यू होगा, नहीं तो ओरिजिनली e नेट कितना है हमारे पास k q x by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3 by 2, ठीक है ना, ये ओरिजिनल है, ये वैल्यू कब आएगा, यहां पर मैंने कंडीशन लिख दिया है, यहां पर फर्स्ट कंडीशन सपोज करो लिख दिया जब x ग्रेटर 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 देन a हो जाए, यानी कि a से बहुत ज्यादा हो जाए तब ये हम लिखेंगे, और अगर x का वैल्यू ग्रेटर नहीं हो बहुत ज्यादा नहीं हो a से तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यहां से e नेट निकल गया। अब देखिए कंडीशन सेकंड आता है एट सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सेंटर ओ पर यानी कि इस पॉइंट पी जो था इसको कम करते 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 हम कहां पे आ गए, ओ पे आ गए, यानी कि एक्स, ये एक्स पूरा था, ये एक्स पूरा डिस्टेंस है, यानी कि एक्स को कम करते 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 हम कहां पर ला दिए, ओ पर ला दिए, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो लिख सकते हैं हम इस कंडीशन में ई नेट इज इक्वल टू के क्यू इन टू एक्स का वैल्यू जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ, पॉइंट पी को लाते लाते हम कहां पर ला दिए, सेंटर पे, सेंटर पे पॉइंट पी को रख करके हम पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो डिस्टेंस तो जीरो है दोनों के बीच में, तो बाई कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो गया। ई नेट कितना हो गया, सेंटर पे ई नेट कितना होता है, जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। थर्ड कंडीशन देखिए, अगर पूछे कि एक्स को बढ़ाते 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 इन्फिनिटी तक लेके चले गए तो उस इन्फिनिटी पर एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो एट इन्फिनिटी देखिएगा, इन्फिनिटी पर एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो ई नेट अगर निकाले हम तो के क्यू इन टू, चूंकि इन्फिनिटी पे गया है तो इन्फिनिटी पे डिस्टेंस तो पता है नहीं, तो यहां पर लिख सकते हैं एक्स, अगर यहां पर हम क्या है के क्यू एक्स है ना, तो इन्फिनिटी बाई ए स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो यहां पर अगर इन्फिनिटी का स्क्वायर करते हैं हम, इन्फिनिटी का मतलब जो डिस्टेंस आपको पता नहीं है उसका वैल्यू आप जीरो मानेंगे, तो इस कंडीशन में इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दीजिए ई नेट कितने हो जाएंगे, यहां पर भी जीरो हो जाएगा, यानी कि सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर पे भी जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तब फोर्स कम होना शुरू हो जाएगा, और जब फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होना शुरू हो जाएगा, तो इन्फिनिटी पे फोर्स अगर जीरो मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, उसी अनुसार से एट इन्फिनिटी ई नेट जो होगा जीरो होगा, यानी कि जो भी वैल्यू चेंज होते हैं, वेरिएबल होते हैं, जो वैल्यू हमको मिलते हैं वो सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में मिलते हैं, सेंटर पर भी जीरो होता है और इन्फिनिटी पर भी कितना वैल्यू होता है, जीरो होता है। बच्चों समझ में आया है अच्छे से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज भी ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल ई नेट ये होता है, लेकिन जब एक्स का वैल्यू ए से बहुत 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 ज्यादा हो जाए तब ये वैल्यू होगा, तब ये फॉर्मूला रखेंगे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कंडीशन यहां पर आता है कि सेंटर पे ई नेट कितना होगा, जीरो होगा, और इन्फिनिटी पर भी कितना होगा, जीरो होगा, था तीन कंडीशन है 1, 2 और 3। समझ में आया बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं हम, मिटाएं से बच्चों। अब देखते हैं सेमी सर्कुलर कोई पोर्शन हो, वहां पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। अभी तो हमने यहां पर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, तो उस कंडीशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सेमी सर्कुलर हो तो। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जरूर समझ में आएगा, काफी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, क्वेश्चन टाइप का है, फॉर सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सेमी सर्कुलर की तरह, जैसे कि मान लो सेमी सर्कल है हमारे पास यहां पे, ठीक है ना, यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है चारों तरफ से, सेमी सर्कल है याद रखिएगा, चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको डायमीटर मान लिए, डायमीटर हो गया, पूछे कि इसके सेंटर पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पे सेंटर को ओ मान लेते हैं, पूछे कि ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए ये तो चार्ज चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब पहले एक क्या करेंगे, एलिमेंट को कट करेंगे कहीं पर, तो सपोज कीजिए हमने यहां पर एक एलिमेंट को कट कर दिया, यहां से यहां तक एक एलिमेंट को कट किया, ठीक है ना, इस पॉइंट को कुछ भी मान लेते हैं, बाद में नेमिंग करेंगे, थोड़ा सा लाइन खींचना है इसलिए। अब इस लाइन को कट करने पर
देखिए यहां पर सपोज कीजिए ये सेंटर से थीटा एंगल बनाया और ये जो कट किया ये काफी मिनिमम एंगल बनाया, इसको हमने डी थीटा मान लिया। इसका जो चार्ज होगा इसको हमने डी क्यू मान लिया, इसका जो लेंथ है उसको हमने डी एल मान लिया। अब इस पॉइंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वैसे होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ऐसे। यहां पर मैं सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा और इधर की तरफ जाएगा। अब इसके दो कंपोनेंट हुए, एक तो ये कंपोनेंट हो गया और एक ये वाला कंपोनेंट हो गया। तो जो ये थीटा है तो ये थीटा है, थीटा की तरफ जो होता है उसको हम कॉस थीटा वाला कंपोनेंट मानते हैं, यानी कि ये डी कॉस थीटा हो गया और ये वाला डी साइन थीटा कंपोनेंट हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब सपोज कीजिए हमने इस एलिमेंट को एक जगह से और कट किया यहां से, जो कि यहां पर भी थीट ये जो एंगल था थीटा बना रहा था और ये जो है कितना बनाएगा डी थीटा बनाएगा, इसका भी चार्ज डी क्यू और लेंथ को डीएल मान लिया, स्मॉल लेंथ है तो डीएल मान लिया। अब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसके भी दो कंपोनेंट हुए, एक कंपोनेंट ये हो गया कौन सा डी साइन थीटा और दूसरा ये कंपोनेंट हो गया। सपोज कीजिए एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये वाला है, फिर यहां पर इसके लिए ये कंपोनेंट एक था और एक कंपोनेंट ये था, तो ये कितना हो गया डी ई कॉस थीटा, क्योंकि इसका मिरर है ये जो डी कॉस थीटा है, इस डी कॉस थीटा का क्या है मिरर है, तो हम ये इसको क्या करेगा कैंसिल कर देगा। इसके जस्ट हमने पढ़ा है, इसके जस्ट पहले हमने अभी पढ़ा है कि दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो क्या बच गया हमारे पास डी साइन थीटा। तो अगर डी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर डी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दें तो पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके द्वारा जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो एलिमेंट कट किया गया है, जो यहां पर क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले कुछ टर्म जानिए, उसके बाद इसका वेरिफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट ऑफ लेंथ। लैम्डा क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। लैम्डा बराबर पढ़े थे हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी, यह है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या क्यू बाई एल हो गया। यहां पर एल जो हो गया चूंकि सेमी सर्कल है तो यहां पर एल के बदले में लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई क्या लिखेंगे, पूरा अगर सर्कल रहता तो 2 पाई आर, लेकिन सेमी सर्कल है तो पाई आर, तो लैम्डा का वैल्यू क्यू बाई कितना हो गया पाई आर। फिर अपने पुराने इस पे चलते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यू बाई एल कब होगा, जब ये पूरा चार्ज पता हो, लेकिन स्मॉल लेंथ का जब डी क्यू चार्ज वाला एलिमेंट कट किया गया हो तो यहां पर लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी एल। लैम्डा इज इक्वल टू तो डी क्यू बराबर डी एल और इंटू क्या लिख सकते हैं लैम्डा लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी क्यू इज इक्वल टू डी एल इंटू लैम्डा, हमने लिख दिया यहां पर। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बच्चों यहां पर ये चूंकि रेडियस है, इसको रेडियस मान लेते हैं, रेडियस है ठीक है ना, इसको कुछ भी आर मान लीजिए रेडियस है। यहां पर 90 डिग्री के एंगल बनाया कि इस फिगर को अगर बाहर हम कट करें, कट करके निकाल दें, तो देखिए कुछ फिगर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। यहां पर 90 डिग्री के एंगल बनाया, ये कितना है ये डी क्यू है, सॉरी यहां पर ये क्या है डीएल है, डीएल है। यहां पर जो एंगल बन रहा है कितना डी थीटा बन रहा है, ये डीएल है, यहां पर कितना एंगल बना है डी थीटा और इसका डिस्टेंस कितना है ये आर है, रेडियस आर है। तो हम लोग पढ़े हैं थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर, तो लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू डीएल बाई आर और डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, लिख सकते हैं। अब इस डीएल का वैल्यू यहां पर रखिए, हमारे पास क्या था एक्सप्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू डी एल इंटू लैम्डा, तो डीएल का वैल्यू कितना है आर इंटू डी थीटा इंटू लैम्डा, यानी कि आर लैम्डा डी थीटा आ गया। हमारे पास कितना आ गया
dq आ गया। इस एक्सप्रेशन को बस याद रखिएगा, इसका जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। कितना आया है, dq इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा। आर के साथ एक चीज और जुड़ा हुआ, लैम्बडा, आर लैम्बडा इंटू कितना है, डी थीटा है, याद रखिएगा, इसी का जरूरत है। इसको मिटाएं हम, देखिए बच्चों इतना का जरूरत था इसलिए मैंने कैलकुलेट किया है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ऐसा किया है। हमको किस, हमें किसे इंटीग्रेट करना होगा, हमको डीई साइन थीटा को इंटीग्रेट करना होगा, तब क्या मिलेगा हमको, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिलेगा। देखिए सेम प्रीवियस की तरह सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ई इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर डीई लिखें स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के डी क्यू आप बाई कितना लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए तो यहां पर ये हो गया, अब यहां से हम क्या निकालना है, ई नेट कैलकुलेट करना है। तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसका, ये तो कैंसिल हो चुका है कॉस थीटा वाला टर्म, तो क्या बच गया हमारे पास, डी ई साइन थीटा। यहां डी ई का वैल्यू रखते हैं, तो डी ई कितना है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर और इंटू साइन थीटा। देखिए के कांस्टेंट है बाहर निकल गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर निकल गया, हमारे अंदर बच गया डी क्यू इंटू साइन थीटा, डी क्यू इंटू साइन थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो के बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू, डी क्यू कितना है, आर लैम्बडा इंटू डी थीटा साइन थीटा, d थीटा sin थीटा। अभी ये r भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालते हैं, तो इस r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो k by r इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि यहां पर क्या लैम्बडा भी कांस्टेंट है तो लैम्बडा भी बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बच गया, d थीटा sin थीटा बच गया हमारे पास, क्या बच गया हमारे पास, d थीटा sin थीटा। ठीक है ना बच्चों, देखिए यहीं पर ये हमारे पास आ गया k लैम्बडा बाई r इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा इंटू साइन थीटा, कहां से कहां तक। अब देखिए ये जीरो से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू होकर कहां तक पहुंच रहा है, 180 तक पहुंच रहा है, यानी कि 0 टू पाई यानी कि 180 तक इंटीग्रेट करेंगे हम। तो लिख सकते हैं k लैम्बडा बाई r इंटीग्रेशन, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया कितना आ गया, माइनस कॉस थीटा अप टू जीरो टू पाई। देखिए के पाई बाई आर कॉस माइनस पाई का वैल्यू या थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, पाई रखेंगे, तो माइनस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन, वन प्लस कॉस थीटा और जीरो, ये इंटीग्रेट जब करेंगे तो कॉस थीटा कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो का वैल्यू वन, ठीक है ना। तो कितना आ गया, के लैम्बडा बाई आर और वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो गया, यानी कि टू के लैम्बडा बाई आर हो गया, टू के लैम्बडा बाई आर हो गया, यानी कि हमारे पास ई नेट कैलकुलेट हो गया कितना, टू के लैम्बडा बाई आर। और इसके पहले हमने लैम्बडा का वैल्यू कैलकुलेट किया था कि क्या होता है फॉर्मूला, लैम्बडा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज पर यूनिट ऑफ लेंथ, क्यू बाई एल होता है ना, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम एल का वैल्यू पुट करें तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एल का वैल्यू कितना रख सकते हैं हम, पाई आर, हमने इसके पहले बताया है। तो आप चाहें तो इस लैम्बडा का वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, लैम्बडा का वैल्यू कितना है, क्यू बाई पाई आर है, तो टू के क्यू अब बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर लैम्बडा का वैल्यू यहां पर पुट करें हम तो लिख सकते हैं हम टू के लैम्बडा का वैल्यू कितना है, क्यू बाई पाई आर, तो पाई आर और आर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ई नेट कैलकुलेट हो गया आपका, आया बच्चों समझ में। ये किसके लिए था, सेमी सर्कुलर के लिए था, कि सेमी सर्कुलर कोई चीज हो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, प्लस के अलावा माइनस भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है,
बस क्या करना है, उसका क्या चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस अनुसार से हम ये निकाल लिए हम लोग सेमी सर्कुलर के लिए, ठीक है ना बच्चों। अब एक लाइन पर एक क्वेश्चन है आज का, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये समझ में आया ना, ये माइनस कॉस थीटा पाई, ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा के बदले में कितना पाई, तो कॉस 180 का वैल्यू माइनस वन होता है, तो माइनस वन प्लस वन, फिर कॉस थीटा के बदले में कितना रखेंगे हम, थीटा के बदले में जीरो रखेंगे, तो कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस था, और यहाँ पर माइनस होगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो वन प्लस वन टू हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं थोड़ा सा, देखिए के लैम्डा बाई कितना है आर, इसको लिख सकते हैं हम माइनस कॉस 180 माइनस माइनस कॉस 0 डिग्री। अब सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा आसान होगा। अब इसको उठा करके इस स्टेप के पहले इसको देख लीजिए, ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था क्या था, फॉर सेमी सर्कुलर था। अब थोड़ा एक लाइन का क्वेश्चन है, उस पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाए बच्चों, अच्छे से समझिएगा बाबू, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि सर ने पढ़ाया वो हमें समझ में नहीं आया, आप समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता है तो हम हैं ही, आप बस कमेंट कर दीजिए कि सर ये टॉपिक यहाँ से समझ में नहीं आया है, मैं फिर से इसका वीडियो अपलोड करूंगा, फिर से समझाने की न्यू ट्रिक से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। कीजिए बच्चों, दिख रहा होगा यहाँ पर एक ऐसे लाइन सेट में है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ओवरऑल, ठीक है ना। इसके लेंथ को हमने कैपिटल एल मान लिया। अब पूछे कि इससे ठीक कुछ दूरी पर यहां पर एक पॉइंट बी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। सेंटर पे अगर रहता तो उसका क्राइटेरिया कुछ और होता, लेकिन यहां पर क्या है, सेंटर पे नहीं है, इसलिए इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। हमने क्या किया कि ठीक इससे ऊपर एल डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक स्मॉल एल मान लिए, इसको स्मॉल एल मान लिए, यहां पर एक एलिमेंट को हमने कट किया, ठीक है ना। इस पॉइंट को मिला दीजिए, इस पॉइंट को हमने मिला दिया यहां पर किस एंगल के साथ, सपोज कीजिए इसको अल्फा मान लीजिए, ठीक है ना। यहां से इसको अल्फा वन मान लीजिए, इसको अल्फा टू मान लीजिए, मिला दिया हमने। अब यहां से जो एलिमेंट कट किया गया है यहां पर, ये यहां पर थीटा हो गया, और यहां से इसको हमने मिलाया, इसको डी थीटा मान लीजिए, इतना हो गया। ये कितना लेंथ होगा, ये कितना होगा, अब ये डी एल होगा, स्मॉल लेंथ कट किया गया है तो डीएल हो गया। इसका चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज डी क्यू होगा, ठीक है ना। इसका चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। अब इसको आर मान लीजिए, इस डिस्टेंस को आर मान लीजिए, और ये जो डिस्टेंस था इसको एक्स मान लीजिए। एक्स डिस्टेंस पर है कौन, एक्स डिस्टेंस पर पी है। अब देखिए, अब इसके द्वारा ये जो कट किया गया है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कुछ डायरेक्शन ऐसे होगा। फिर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक यहां पे कंपोनेंट होगा और एक नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा। दो कंपोनेंट हुए, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा के पास में जो होता है उसको डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट मानेंगे हम, और यहां इसको हम DE साइन थीटा कंपोनेंट मानेंगे। अब अगर ये लाइन बीच में रहता, अब आप कहोगे सर DE साइन थीटा इसमें भी कैंसिल हो सकता है, सपोज कीजिए यहां पे कट कर देते ऐसे निकलता, ठीक है ना, तो इसके भी दो कंपोनेंट होते, एक नीचे एक ऊपर। लेकिन नहीं, ये लाइन अगर बीच में रहता तब DE साइन थीटा और उसका DE साइन थीटा तब कैंसिल होता। जैसे इस टाइप का अगर फिगर रहता, ठीक बीच से यहां से कट करके, यहां से कट करके यहां पे लाया जाता, यहां पे लाया जाता, दो कंपोनेंट होते एक ऐसे एक ऐसे, फिर यहां से अगर हम कट करते तो एक ऐसे जाता और एक ऐसे जाता, तो इसके भी दो कंपोनेंट होते, एक ऐसे और एक इस कंडीशन में,
तो ये कंपोनेंट जो डी, ये डी कॉस थीटा होता, ये डी साइन थीटा होता, ये डी साइन थीटा होता तो इस कंडीशन में कैंसिल हो जाता, लेकिन चूंकि ये लाइन जो है वो बीच में नहीं है इसलिए इस क्राइटेरिया को इस यहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमको दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है सरफेस के साथ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डी साइन थीटा है वो क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है, पी फॉर पैरेलल, और ये परपेंडिकुलर का साइन है, यहां पे परपेंडिकुलर है और ये यहां पे क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो दोनों का कैलकुलेशन हमको अलग अलग करना होगा तब जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो पाएगा। फिगर ध्यान से समझिएगा बाबू, थोड़ा सा इसमें इधर उधर है, दिख नहीं रहा होगा। इसको क्या माने थे हम, अल्फा, और ये कितना था, अल्फा टू था, ये अल्फा वन था, ये अल्फा टू था, ये एंगल थीटा है, ये डी थीटा है, ठीक है। इसके चार्ज को डी क्यू माने हैं, इसके लेंथ को डी एल माने हैं, टोटल लेंथ एल है, ये लेंथ कितना है, स्मॉल एल है। अब इसमें कुछ टर्म जो मिलने वाले हैं उसके बारे में पहले पढ़ लें, फिर आगे हम डिराइव करना शुरू करेंगे। ये तो पता है, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट ऑफ लेंथ, पता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल लिख सकते हैं हम, और डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल लिख सकते हैं। फर्स्ट चीज मिला हमको, क्या मिला हमको, यहां लिखते चल रहे हैं क्योंकि उसको मिटाना होगा, लैम्डा इंटू डी एल मिला पहला टर्म। इसमें अगर हम इस ट्रेंगल में अगर हम कॉस थीटा निकालें तो क्या होता है, हाइपोट इस ट्रेंगल में, यहां पर ट्रेंगल है ना, यहां पर एक ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है जहां पर यहां पर 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। तो ये जो ट्रेंगल है इसमें कॉस थीटा अगर निकाले हम तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है, एक्स है, और हाइपोटेनस कितना है, आर है, एक्स बाय आर, यानी कि आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, और आर इज इक्वल टू एक्स बाई कॉस थीटा। तो दूसरा टर्म याद रखिएगा, आर इज इक्वल टू एक्स बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसी फिगर में ये कितना लेंथ है, एल है ना बाबू, ये लेंथ कितना है, स्मॉल एल है। कि इसमें टैन थीटा अगर हम निकालें तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, एल है, और बेस कितना है बाबू, बेस एक्स है, तो एल बाई एक्स लिख सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू एल बाई एक्स। इस टर्म को मिटा देते हैं हम, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। ये तो मिटाए हम, तो हमारे पास आ गया कितना, tan थीटा इज इक्वल टू, यहां पर देखिए tan थीटा इज इक्वल टू आ गया l बाई एक्स, स्मॉल l बाई एक्स आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, तो यहां से अगर हम l निकाल दें तो क्या लिख सकते हैं, x tan थीटा। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें dl बाई डी थीटा के टर्म में तो x tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा, x sec स्क्वायर थीटा। तो dl इज इक्वल टू x sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आया। तीसरा टर्म हमको मिला dl इज इक्वल टू x sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस तीनों का जरूरत पड़ने वाला है इसमें, इसलिए हम तीनों को अलग अलग पहले डिराइव कर दिए हैं क्योंकि इस बोर्ड में आ नहीं पाएगा सब एक साथ, और बीच में थोड़ा छोड़कर जाना दिक्कत होता है। अब देखिए हमको इंटीग्रेट किसको करना है, इंटीग्रेशन किसको करना है, परपेंडिकुलर के लिए भी इंटीग्रेशन करना है और पैरेलल के लिए भी इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए सिंपल कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर यहां से हम डीई निकाले स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना समझ में आ गया होगा कि डीई क्या होता है, तो के डी क्यू बाई कितना लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट करते चलते हैं, डी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के का के रहने देते हैं, डी क्यू देखिए यहां पर आ गया इसका यूज, लैम्बडा इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, एक्स बाई, तो x बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि k लैम्डा इंटू डी एल इंटू ये ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई कितना हो गया, एक्स स्क्वायर।
अब देखिए dl का वैल्यू कितना है, तो k lambda into dl का वैल्यू यहां पर x sec square theta, x sec square theta into कितना है into d theta और into cos square theta और by x square, sec square theta cos square theta से कट गया, कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया k lambda by x into d q, क्या मिला हमको de बराबर मिला, de बराबर मिला। अब हमको इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन थीटा का। अब देखिए न्यू इंटीग्रेशन ऑफ de साइन थीटा किसके लिए निकाल रहे हैं, e पैरेलल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना, e पैरेलल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनटू d का वैल्यू पुट करते हैं, d का कितना है k लैम्डा बाय x इनटू d थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू k कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट है तो x भी कांस्टेंट आ गया और इंटीग्रेशन विथ dq, ठीक है ना बाबू। मिटाई है वाले टर्म को, ये वाला टर्म मिटा रहे हैं हम, ये सब तो हो ही गया, इसका वैल्यू हमने पुट कर ही दिया। अब जो जरूरत है मेन उसका देखिए, एक बोर्ड में आ नहीं पा रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है, मैक्सिमम तो फिगर ही जगह ले लिया है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होना स्वाभाविक है। अब देखिए d थीटा यहां पर लिख सकते हैं, आया हमारे पास क्या k लैम्डा बाय x इंटीग्रेशन विथ d थीटा, सॉरी सॉरी एक चीज छूट गया, यहां पर कितना हो गया साइन थीटा होगा, यहां पर भी साइन थीटा होगा, यहां पर भी क्या लिख देंगे हम साइन थीटा लिख देंगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, माइनस अल्फा टू से अल्फा वन तक, माइनस अल्फा टू से अल्फा वन तक इंटीग्रेट करेंगे हम। देखिए ऐसे चलेगा ना, माइनस अल्फा टू से आते आते सीधा हो जाएंगे यहां तक, ऐसे आ रहा है ना ये, तो अल्फा टू से चल के कहां तक आ रहा है, अल्फा वन तक आ रहा है, इसलिए अल्फा टू से अल्फा वन तक इंटीग्रेट करेंगे हम। तो के लैम्डा बाय एक्स इसको जब इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा का, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा आपको, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा कहां से, माइनस अल्फा टू से अल्फा वन तक। तो एक बार थीटा का वैल्यू कितना रखना है अल्फा वन, फिर थीटा का वैल्यू कितना रखना है अल्फा टू, तो के लैम्डा बाई एक्स हो जाएगा ये कॉस अल्फा टू माइनस कॉस अल्फा वन, ये मिल गया। लैम्डा का वैल्यू चाहे तो आप रख सकते हैं, ठीक है ना, क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है ना, चाहे इसका वैल्यू आप रख सकते हैं यहां पर, के लैम्डा बाई एक्स कॉस अल्फा टू माइनस कॉस अल्फा वन किसका मिला हमको, ई पैरेलल के लिए फॉर्मूला मिला, अभी परपेंडिकुलर का बाकी है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का भी बाकी है निकालना वैल्यू, ये मिला हमको यहां पर, ठीक है ना, ये अल्फा टू है, किसका है अल्फा टू, इसका है माइनस अल्फा टू से, तो ये पैरेलल का हमको मिल गया कि e पैरेलल इज इक्वल टू k लैम्डा बाई एक्स कॉस अल्फा टू माइनस कॉस अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा वन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कितना डिग्री का वैल्यू पुट करना है, और इस तरह से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब क्या बच गया, अब हमको चलना है किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए, पैरेलल के लिए तो निकल गया, अब चलना है परपेंडिकुलर के लिए। ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो फाइनाइट लेंथ के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट के लिए हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, फाइनाइट के लिए स्टडी कर रहे हैं, इनफाइनाइट के लिए इसके बाद स्टडी करेंगे। अब देखिए अब चल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ परपेंडिकुलर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी किसका, कॉस थीटा, बी कॉस थीटा कहां से कहां तक, माइनस अल्फा टू से अल्फा वन तक, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन यहां देखिए, यहां पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन विथ माइनस अल्फा टू से अल्फा वन डीई कॉस थीटा, ठीक है ना, तो डीई कॉस थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे ना, उसके पहले डीई का वैल्यू पुट कीजिए, इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे डीई का वैल्यू याद होगा, इसके पहले हमने जब पैरेलल का कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें d का वैल्यू हम लोग क्या रखे थे, k लैम्डा, क्या रखे थे हम लोग,
के लैम्डा बाई एक्स इंटू डी क्यू सॉरी डी थीटा इंटू कितना हो गया कॉस थीटा। फिर के कांस्टेंट बाहर निकल गया, ये लैम्डा कांस्टेंट बाहर निकल गया, एक्स कांस्टेंट बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन में क्या फंस गया अल्फा टू से अल्फा वन में डी क्यू डी थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब डी थीटा कॉस ये कॉस थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम कहां से माइनस अल्फा टू से अल्फा वन तक, तो ये हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन करने पर, ये क्यों लिखना हटाइए इसको डायरेक्ट लिखते हैं के लैम्डा बाय एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा कहां से माइनस अल्फा टू से अल्फा वन तक। तो पहले हम किसका वैल्यू इसको हम तोड़ते हैं, अब इसको इसको जब थीटा के बदले में अल्फा वन रखेंगे तो आ जाएगा के लैम्डा बाय एक्स, तो हो जाएगा साइन साइज जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन अल्फा वन और प्लस साइन अल्फा टू, इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है देख जरूर लीजिएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गया ई पैरेलल का भी वैल्यू आ गया, थोड़ा सा तीनों में यही कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा समझने वाला ज्यादा है इसको, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप रट लेंगे कि ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, ई पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का समझ लीजिए, ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ई पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, जब तक आप रटेंगे नहीं नहीं काम चलेगा, इसको रटना पड़ेगा आपको, या फिर प्रोसेस अगर याद होने वाला हो बना बना करके कोशिश करके याद करने की कोशिश कीजिएगा आ जाएगा। किसके लिए था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज फॉर फाइनाइट लेंथ, ये फाइनाइट लेंथ के लिए था। अब चलते हैं इनफाइनाइट लेंथ के लिए, मिटाई से मिटाए बच्चों, अब चलिए इनफाइनाइट लेंथ के लिए, इनफाइनाइट कहां तक जा रहा है पता नहीं है, इसमें तो लेंथ पता था कि फाइनाइट तक जाएगा, फाइनाइट चार्ज पता था इसका जो था फाइनाइट चार्ज थे, अब पढ़ते हैं हम लोग इनफाइनाइट चार्ज के लिए, इनफाइनाइट के लिए देखिए बच्चों, मान गए अब किसके लिए इनफाइनाइट के लिए, अब इनफाइनाइट के लिए स्टडी कर रहे थे, ये छोटा है समझ में जल्दी आ जाएगा। देखिए सेम फिगर बना दिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पॉइंट से यहां तक एक्स दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसको मिला दिए इसको मिला दिए, यहां से इसका लेंथ एल हो गया, इसके लेंथ को हमने एल मान लिया, यहां से कुछ दूरी पर स्मॉल एल पर एक डीएल काटा गया, ये पूरा कितना था अल्फा वन, ये कितना था अल्फा टू, ये लेंथ काटा गया थीटा के साथ, तो ये जो स्मॉल एंगल बनेंगे वो कितना हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, इसका लेंथ डीएल हो जाएगा और इसका चार्ज डी क्यू हो जाएगा। अगर हम एक बार यहां काटे फिर एक बार यहां काटे फिर एक बार यहां काटे, काटते 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 कंडीशन ऐसा आएगा कि ऐसे बन जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा दोनों एक दूसरे के, और जब पैरेलल हो जाएंगे तो अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू इक्वल टू 90, कैसे 90 डिग्री बच्चों देखो ये बढ़ते 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 ऐसे हो जाएगा, इसके भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक ये कंपोनेंट एक नीचे वाला, ये कितना हो जाएगा DE cos थीटा जो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, और ये जो होगा D sin थीटा जो क्या होगा परपेंडिकुलर नहीं होकर कि ये पैरेलल होगा, ठीक है ना, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको निकालना है E पैरेलल का फॉर्मूला, E परपेंडिकुलर का पहले देखते हैं, E परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था k लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा टू, तो k लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा 90 डिग्री तो साइन 90 और प्लस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू याद होगा आपको 1 प्लस 1 यानी कि 2 k लैम्डा बाई एक्स आ गया E परपेंडिकुलर के लिए, 2k lambda by x आ गया। अब किसके लिए देखना है पैरेलल के लिए, तो E पैरेलल फॉर्मूला होता है k lambda by x, भी जस्ट पढ़े हैं cos
यहाँ पर अल्फा वन अल्फा टू का वैल्यू कॉस 90 हम माइनस कितना रख देंगे कॉस 90, तो के लैम्डा बाई एक्स कॉस 90 का वैल्यू 0 माइनस 0 टोटल टर्म को क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी कि ई पैरेलल जो आएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ई परपेंडिकुलर जो आएगा वो 2 के लैम्डा बाई एक्स हो जाएगा। तो बच्चों यही तो इनफाइनाइट के लिए, इसके पहले हम लोग फाइनाइट के लिए पढ़े थे, उसके बाद सेमी सर्कुलर के लिए पढ़े हैं, फिर रिंग के लिए पढ़े हैं, रिंग के सेंटर के लिए बहुत सारे टॉपिक देखे हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल लेकर के आएंगे, वो भी बेहतरीन टॉपिक है, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन जब तक ये टॉपिक आप लोग क्लियर नहीं करेंगे हो सकता है कि आगे वाला टॉपिक नहीं समझ में आए, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक का कोरिलेटेड है, एक लेक्चर का क्लास दूसरे लेक्चर के क्लास से मिलता जुलता है, इसलिए आप पढ़ के आएंगे ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।